नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिल्ली में एक हादसा ऐसा हुआ कि वो अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है 10 दिन बाद भी। एक कोचिंग सेंटर में पानी घुस गया, बेसमेंट में चल रहा था कोचिंग सेंटर, उसमें डूबकर कुछ छात्रों की मौत हो गई। दरवाजे बंद थे, वहाँ पर पानी भर गया। इन दिनों मौसम की मार ऐसी चल रही है कि कई जगह पानी भरेगा इस तरह से। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो देश में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी के लिए इम्तिहान रहता है यूपीएससी, उसकी तैयारी करने वाले लोग मारे गए वहाँ पर। गांव देहात से लोगों ने, किसानों ने अपने बच्चों को भेजा था पैसों का इंतजाम करके, किसी तरह की जाओ यूपीएससी की कोचिंग लो, यूपीएससी दो, कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे। इस तरह के सपने लेकर माँ बाप कर्ज लेकर मकान बेचकर, माँ अपनी गहने बेच देती है और बच्चों को भेजते हैं कोचिंग के लिए कि इम्तिहान में पास हो जाओ। ठीक इसी तरह की कोचिंग आईआईटी, आईआईएम या नीट, जो मेडिकल कॉलेज के लिए दाखिला इम्तिहान है, उसकी कोचिंग के लिए लोग राजस्थान के कोटा भेजते हैं, जिसमें जिसको कि देश का सबसे बड़ा कोचिंग उद्योग माना गया है। बड़ी संख्या में वहाँ आत्महत्याएं होती है हर साल, क्योंकि माँ बाप अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को झोंक देते हैं किसी कोचिंग सेंटर में, और बच्चे अगर उतनी तैयारी के लायक नहीं रहते हैं, उतनी मेहनत के लायक नहीं रहते हैं, उन विषयों में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं रहती है। कई बार हौसला जवाब दे जाता है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। आंकड़े आते हैं, इस साल इतने, इस साल इतने, इस साल इतने। आप कल्पना कर सकते हैं, एक पूरा शहर कोटा ऐसा हो गया है, उसमें छात्र छात्राओं के हॉस्टल या जिन मकानों में किराए में लेकर वो रहते हैं, उसके सीलिंग फैन, छत के पंखे ऐसे लगाए गए हैं जिसमें स्प्रिंग लगे रहता है, वो केवल पंखे का ही वजन ढो सके। अगर उसमें कोई और चीज़ टंगने की कोशिश करे तो गिर जाए पंखा, पूरा हुक गिर जाए। ये सावधानी बरतनी पड़ रही है कोचिंग उद्योग की वजह से। इतना कड़ा हो गया है कोचिंग उद्योग, कोटा का कोचिंग उद्योग ऐसा हो गया है कि कोचिंग सेंटर अपने खुद के स्कूल भी चलाते हैं, उन स्कूलों में छात्र छात्राओं को फर्जी हाजिरी दे देते हैं, क्योंकि दाखिला इम्तिहान हो यार यूपीएससी जैसा नौकरी का इम्तिहान हो, स्कूल में पहली से बारहवीं तक जितना आपने पढ़ा है इसका कोई महत्व नहीं है, केवल बारहवीं पास होना चाहिए और कुछ जरूरी नहीं रह गया। जरूरी केवल ये रह गया है कि आप न्यूनतम जो नंबर हैं उनको पाकर बारहवीं पास कर लें और कोचिंग सेंटर से कोचिंग पाकर दाखिला इम्तिहान या नौकरी इम्तिहान इसको पास कर लें, उसमें चुन लिए जाएं, बस इतना ही जरूरी है। मैं सोचता हूं कि कितना फीसदी आबादी कोचिंग का खर्च उठा सकती है। मैंने देखा है एक मजदूर महिला हमारे अखबार के प्रेस में, किताबें भी छपती हैं वहां पर, एक मजदूर महिला किताब की मिसल उठाने की काम करती थी, यानी किताब की बाइंडिंग में काम करती थी मजदूरी की। उस महिला ने अपनी बेटी को एक यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया एक साल, लाख रुपया फीस रही होगी। एक मजदूर महिला ने किस तरह से इंतजाम किया होगा मैं नहीं जानता, बहुत कम मजदूरी का काम था, 200-300 रुपए एक दिन में कमाई होती होगी, पूरी तरह ठेका मजदूर की तरह काम करते हुए, लेकिन उस महिला ने अपनी बेटी को यूपीएससी कोचिंग सेंटर में भेजा था, हमारी प्रेस के सामने है। उस लड़की को कुछ महीनों में या साल भर में समझ में आ गया कि वो ये इम्तिहान पास नहीं कर सकेगी यूपीएससी का, उसने छोड़ दिया, माँ का और पैसा बर्बाद नहीं होने दिया। लेकिन आज हालत ये है कि जितने लोग यूपीएससी देना चाहते हैं या राज्य की जो राज्य सेवा जो है सरकार की, उसके लिए पीएससी होती है हर स्टेट में, पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो जहाँ जहाँ हर स्टेट में पीएससी की इम्तिहान होते हैं उसकी तैयारी के लिए अलग कोचिंग सेंटर चलते हैं, बैंकों की नौकरी रहती है, रेलवे की नौकरी रहती है। अग्निवीर जो जो केंद्र सरकार ने जो फौज में 4 साल के लिए अग्निवीर के लिए जो एक नई योजना चालू की है, मैं अभी उसके गुण दोष पे नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे अग्निवीर लोगों के लिए भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के कोचिंग सेंटर हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ डिफेंस अकादमी जैसी कोचिंग सेंटर बने हैं जो फिजिकल प्रैक्टिस करवाते हैं, खेल कूद मेहनत दौड़ना, इसी का मुकाबला ज़्यादा होता है अग्निवीर वगैरह में, तो उसकी भी कोचिंग चल रही है, उसका प्रशिक्षण ट्रेनिंग चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जिस तरह डूबकर लोग मर गए, और दिल्ली के बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे ही कहीं बेसमेंट में चल रहे हैं, कहीं खतरनाक जगह पे चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। दिल्ली बहुत व्यस्त शहर है, मुंबई भी कहा जाता है कि वहाँ जगह की बड़ी कमी है, लेकिन दिल्ली में भी कमी है, तो लोग कहीं छत पे छपरी बनाकर वहाँ चला लेते हैं, कहीं बेसमेंट में चला लेते हैं, जो जगह थी पार्किंग के लिए वहाँ कोचिंग सेंटर चल रहा है। कई कोचिंग सेंटर अभी दिल्ली जो है इस हादसे के बाद और सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों को देखते हुए उसको सील किया जा रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे देश में कोचिंग की ज़रूरत होना क्यों चाहिए, क्यों हमारी शिक्षा प्रणाली पहली चीज, क्यों हमारे इम्तिहान का तरीका दूसरी चीज, क्यों इनको ऐसा होना चाहिए कोचिंग की ज़रूरत पड़े। समाज का कितना बड़ा हिस्सा कोचिंग करवा पाता है अपने बच्चों को, इसको देखें हम, शायद 5%। मैं बिना आंकड़ों में गए हुए एक अंदाज लगा रहा हूँ, 95% आबादी ऐसी है जो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की बुनियादी पढ़ाई भी नहीं दिलवा पाती, वो कहाँ से कोचिंग दिलवाएगी अपने बच्चों को। तो जब 5% आबादी के बच्चे कोचिंग लेकर माँ बाप का लाखों रुपया वहाँ खर्च करवाकर किसी मुकाबले के लिए तैयार होते हैं, तो जाहिर है कि बचा हुआ 95% आबादी जो है उसके बच्चे वो मुकाबला नहीं कर पाते, कमज़ोर रहते हैं वो बच्चे, इनके मुकाबले तैयारी कम रहती है। मैं उनको दिमागी रूप से कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आंकड़ों का मेरा अंदाज़ है, मान लीजिए वही है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर पहुँची हुई आबादी है कुल 5%, जिसमें एक आय से ऊपर के जो लोग हैं वो, जो कोचिंग पे इतना खर्च कर सकते हैं वो, केवल इन्हीं के बच्चे आपस में मुकाबला करते हैं। नीचे के कुछ बच्चे, गरीब बच्चे जरूर आ जाते होंगे, हर साल यूपीएससी के बाद मुझको 2-4 किस्से कहानी पढ़ने मिलते हैं कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा, तो एक मनरेगा में काम करने वाले मजदूर जोड़े के बच्चे कहीं निकल आए हैं, पीएससी में यूपीएससी में निकल आए हैं, ऐसा सुनाई पड़ता है। ये अपवाद की तरह रहते हैं, ये संख्या में और प्रतिशत में नहीं रहते हैं ये, तो ये समझने की ज़रूरत है कि भारत में इतनी गैर बराबरी का ये सिलसिला क्यों चल रहा है। और जितनी दाखिला इम्तिहान की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे बैंक सर्विस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अग्निवीर का हो, ये सारे दाखिला इम्तिहान जो हैं या चयन के सिलेक्शन के इम्तिहान, ये पूरे के पूरे सरकार के किए हुए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के। क्या सरकार कोई चयन, चाहे पढ़ाई के लिए हो चाहे नौकरी के लिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए जिसमें उसके 95% आबादी के बच्चे शामिल ना हो सकें ठीक से, शामिल होते भी हैं तो कमज़ोर रहते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते, वहाँ पे बराबरी नहीं कर पाते, न दाखिला इम्तिहान में न नौकरी के इम्तिहान में। जब दोनों जगह ऐसा है तो क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र 5% आबादी के भीतर मुकाबले से अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है, और वो अगली पीढ़ी
फिर अपने 5% दायरा जो आबादी के सबसे ऊपर का रहेगा, उसी के भीतर कोचिंग की तैयारी, उसके भीतर घर में पढ़ने की तैयारी, कंप्यूटर, इंटरनेट, किताबें, सब तरह की, एक कोचिंग सेंटर, दूसरा कोचिंग सेंटर, फिर किसी एक विषय के लिए किसी खास टीचर के पास, इतनी तैयारी, इतने तरह की तैयारी। मुझको पता नहीं क्यों याद पड़ रहा है, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा इम्तिहान देने गया, तो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों के इम्तिहान थे, अलग अलग तारीखों पे थे, तो वो वहाँ जाके उन राज्यों का इम्तिहान दे रहा था, पढ़ाई के लिए था ये, कि वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए या किसी कॉलेज के लिए, कई तरह के इम्तिहान दे रहा था वो। घर वाले लोग साथ में जाते हैं, 10 दिन 15 दिन महीना भर बच्चों के लिए रखते हैं, रिजर्वेशन करके रखते हैं, इस तारीख को इस राज्य का, इस तारीख को इस राज्य का। गरीब के बच्चे क्या कर सकते हैं? क्या सच में बराबरी का कोई अवसर है? क्या सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी इस देश के बच्चों के बीच हो सकती है? कहने के लिए लोकतंत्र है ये, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि एक पूंजी तंत्र की तरह, एक संपन्न तंत्र की तरह, एक संचित तंत्र की तरह, ये देश इस तरह से चलता है कि जो वंचित तंत्र है, वंचित समुदाय है, वो संचित समुदाय से कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकता इन इम्तिहानों में। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इक्का दुक्का कहानियाँ लोग सुनाएंगे कि मजदूर का बेटा, कंपाउंडर की बेटी, ऑटो रिक्शा वाले का बेटा, तो सब्जी ठेले पे बेचने वाले की बेटी, ये लोग यूपीएससी में आ गए। हो सकता है आए होंगे कुछ लोग, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि यूपीएससी में जो लोग आते हैं चुनकर, उनका कितना फीसदी हिस्सा ऐसा है जो किस आय वर्ग से आया है, थोड़ा देखना पड़ेगा। जिन तबकों के लिए क्रीमी लेयर लागू है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि 8 लाख की क्रीमी लेयर है अगर ओबीसी के लिए, तो 8 लाख के ठीक नीचे 7 लाख 7.5 लाख तक की आय वाले कितने लोग हैं, साल में जिस परिवार की 1 लाख 2 लाख आए हैं उसके कितने लोग हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये इम्तिहान लेने वालों को एक बहुत ही पारदर्शी विश्लेषण करके इसको सामने रखना चाहिए देश के। अगर नहीं भी रखते हैं तो संसद में किसी को इस बारे में पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार की जितनी दाखिला और नौकरी की इम्तिहान हैं, उनमें किस आय वर्ग के कितने लोग आए हैं, किस भाषा के कितने लोग आए हैं, कोचिंग लिए हुए कितने लोग हैं। अगर लोग घोषणा इसकी करेंगे तो हो सकता है लोग बतलाना न चाहें कि वो कोचिंग के रास्ते आए हैं। मुझको लगता है कि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था उसको अप्रासंगिक बना रही है कोचिंग। अप्रासंगिक इस तरह से कि अधिकतर दाखिला इम्तिहानों में अगर केवल दाखिला इम्तिहान की वजह से दाखिला मिलता है, तो पहली से 12वीं तक आपने जितने नंबर पाए हैं उसका कोई महत्व नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं केवल अपनी एक अटकल लगा रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जितने भी बोर्ड इम्तिहान होते हैं, इन इम्तिहानों में कितने कितने नंबर किसको मिले हैं, इसके आधार पर एडमिशन हो, और साथ में थोड़े से नंबर जो हैं दाखिला इम्तिहान के भी रहें। इससे कम से कम इतना तो होगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को आगे जाके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIM, जहाँ भी भेजना चाहते हैं, वो कम से कम 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं इन 4 इम्तिहानों में तो अपने बच्चों पर मेहनत करेंगे। हो सकता है, मैं जो सोच रहा हूँ इसके खिलाफ लोगों के पास अधिक मजबूत तर्क हों कि अलग अलग प्रदेश में ये बोर्ड अलग अलग कड़ाई वाले हैं। हो सकता है किसी एक प्रदेश में औसत बच्चा जो है उसको 60% मिल जाए, और किसी दूसरे प्रदेश में जो बहुत ही होनहार बच्ची है उसको 55% मिल जाए। तो इसका कैसे रास्ता निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर सोचता हूँ कि स्कूल की पढ़ाई को महत्व मिलना चाहिए,
स्कूल की पढ़ाई वो है जिसका कोर्स तय करने के लिए, किताबें तय करने के लिए, क्लास में पढ़ाने के लिए, जिसका इम्तिहान लेने के लिए भारी मेहनत की जाती है, बड़ी मशक्क़त की जाती है, ऐसी स्कूल की पढ़ाई होती है। हम बुनियादी पढ़ाई के लिए स्कूल ही जाते हैं, हम कोचिंग सेंटर में तो बाद में दाखिला इम्तिहान के लिए जाते हैं, कोचिंग सेंटर पढ़ाई के लिए नहीं जाते। कोचिंग सेंटर बच्चे जाते हैं दाखिला इम्तिहान के लिए या नौकरी के इम्तिहान के लिए, चाहे वो पीएससी की हो या यूपीएससी की या कोई और हो। क्या ज़रूरत है ऐसी व्यवस्था की? क्यों ऐसी गैर बराबरी का काम जारी रखना चाहिए जिससे गरीब बच्चे जो हैं वो कभी भी अमीर संपन्न इन बच्चों की बराबरी ना कर सकें, जो आरक्षित वर्ग हैं उनके भीतर भी। एसटी एससी में अभी आरक्षण नहीं है, हमने इस बारे में खुलासे से बात की है। एसटी एससी तबके में आरक्षण के लिए अभी क्रीमी लेयर नहीं है, तो हो ये रहा है कि उस तबके के भीतर के जो लोग सबसे संपन्न हैं बस वही लोग घूम फिर के आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे कमज़ोर जातियां हैं इन तबकों में, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, विपन्न हैं, वो मुकाबले में नहीं टिक पाते, उनकी कोचिंग नहीं हुई है, उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो ये जो एक इंडस्ट्री चल निकली है कोचिंग की, मुझको ऐसा लगता है कि सरकार के इम्तिहान लेने के जो तरीके हैं वो इस कोचिंग इंडस्ट्री के एक निजीकरण, एक उदारीकरण के कारोबार को समर्थन और बढ़ावा देने वाला है सरकारी इंतजाम। चाहे वो मुंह से ना कहते हो कि आप जाओ यहाँ पे और कोचिंग लो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार जो इम्तिहान लेकर दाखिला देती है, नौकरी देती है, वो कोचिंग सेंटर पे आधारित है। कोचिंग सेंटर में पढ़े हुए लोग, तैयारी किए हुए लोग मुकाबले में आगे रहेंगे, वही उस मुकाबले में लिस्ट में ऊपर ऊपर रहेंगे, उन्हीं की बारी आएगी। जो उस कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं उनकी संभावना बहुत ही सीमित रहेगी। देश का काम क्या है? देश का काम बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है, या दाखिला इम्तिहान की तैयारी करना है, नौकरी के इम्तिहान भर की तैयारी करना है? क्या होना चाहिए? क्या कोई मुकाबला? जिंदगी है हमारी, हम एक स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, पीते हैं, कसरत करते हैं, योग करते हैं, कुछ दौड़ते हैं। अब मान लीजिए इन सब का विकल्प अगर 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़ में ही निकाल दिया जाए कि आपको रोज़ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ कसरत और योग की ज़रूरत नहीं है, केवल 400 मीटर की या 100 मीटर या 1000 मीटर की दौड़ जो है, जैसा ओलंपिक में चल रहा है इन दिनों, वही आपको स्वस्थ रखने का पैमाना है, तो लोगों का जिंदगी के बाकी कामकाज में स्वस्थ रहने का, बाकी दायरे में स्वस्थ रहने का उत्साह जाता रहेगा। आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का उत्साह खत्म हो गया है बच्चों का। अमीर बच्चे जानते हैं कि उनको कोचिंग सेंटर जाना है, मध्यम वर्ग के भी, उच्च मध्यम वर्ग के बच्चे भी जानते हैं उनको कोचिंग सेंटर जाना है, लेकिन इस देश में जो 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल बिना भुगतान के सरकार की तरफ से पाती है, और जिसकी वजह से पेट भरता है उन परिवारों का, 80 करोड़ लोगों का, 80 करोड़ लोगों का मतलब 60% आबादी होता होगा शायद, क्योंकि 140 करोड़ आबादी है। क्या ऐसे देश में कोचिंग ही पैमाना होना चाहिए प्रतिभा का, किसी के होनहार होने का? वो कोचिंग जिसको कि कुछ सीमित संख्या के लोग ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें, इस 80% राशन दुकान के चावल पे जिंदा आबादी को आगे बढ़ने का कोई मौका ही देना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि तुम जो चावल हम दे रहे हैं, जिसको हम रेवड़ी कहते हैं, कभी हम मुफ्त का चावल कहते हैं, उसी चावल पे तुम जिंदा रहो। और चावल पे जब तुमको जिंदा रख रहे हैं तो ज़्यादा हसीन सपने मत देखो,
कि मेडिकल कॉलेज चले जाए आपका बच्चा, कि लॉ यूनिवर्सिटी चले जाए, ऐसे सपने मत देखो। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही समानता की भावना है जो देश के संविधान में बार बार तरह तरह से दर्ज है? समानता की भावना, क्या ये वही है समानता की भावना? क्या हमने इस देश में चुनिंदा कॉलेजों में दाखिले के लिए और चुनिंदा नौकरियों के लिए लोगों को छांटते हुए कोचिंग सेंटर और एक दाखिला इम्तिहान, एक सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा क्यों बना लिया है जिसमें गरीब की कोई जगह न हो, कोई गुंजाइश न हो? तो मुझको लगता है कि ये देश जो है ऊपर ऊपर की 5-10% आबादी, 10% से ऊपर नहीं होगी, 5-10% आबादी पे जिंदा है, 5-10% आबादी को बढ़ाते चल रहा है। और जितने लोग संसद या विधानसभाओं में कानून बनाने वाले हैं, जितने लोग दफ्तरों में बैठकर IAS, IPS, IFS नीतियां बनाते हैं, सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाते हैं, सरकार के कहे हुए सारा काम काज करते हैं, ये सारे लोग, सांसद, विधायक, अफसर, जज, कारोबारी, ये सब जो हैं ऊपर के 5-10% में आ जाते हैं। 10% के नीचे का जो 90% हिस्सा है उसमें ये लोग नहीं आते हैं। ये आरक्षण से परे का भारतीय समाज का क्रीमी लेयर है। मैं इसको पूरा बाहर कर देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी चयन प्रक्रिया, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, दाखिला इम्तिहान, नौकरी का इम्तिहान ऐसा हो जिसमें और नीचे के गरीब, मैं ये तो नहीं कहता कि जो सबसे गरीब हैं आधा हिस्सा उनको भी आप शामिल कर लें, उनकी बारी शायद कभी भी नहीं आएगी, लेकिन कम से कम कुछ तो और लोगों को शामिल करो। सबका विकास नहीं हो सकता, तो कम से कम एक खासे बड़े हिस्से का विकास तो करो। क्या इस देश में आधी आबादी के मुकाबला करने लायक, आधी आबादी को तकरीबन बराबरी का अवसर देने के लायक कोई तरीका नहीं ढूंढा जाना चाहिए? कोचिंग बंद नहीं की जानी चाहिए? पढ़ाई का एक महत्व फिर से स्थापित नहीं करना चाहिए, स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई का? आज UPSC में जो ग्रेजुएट चुने जाते हैं, मेरा ऐसा अंदाज है उनके लिए कॉलेज में कितना फीसदी नंबर है इसका कोई बड़ा पैमाना नहीं है। तो वो कुल मिलाकर दाखिला इम्तिहान, सिलेक्शन का इम्तिहान, उसी पे लगे रहते हैं वो लोग। सोच के देखिएगा, आपके बच्चे भी हो सकता है ऐसे किसी इम्तिहान में शामिल होते हों, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, पड़ोस में उनके बच्चे भी शामिल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे शामिल नहीं हो पाते। इन सब के लिए क्या किया जाए? आज बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग सेंटर चलते हैं, उनके इश्तहारों से अखबार पटे रहते हैं। मोटी कमाई का कारोबार है ये कोचिंग सेंटरों के लिए भी और अखबारों के लिए भी। मुझको अभी मेरे कैमरा पर्सन बता रहे थे कि 1993 में उनके चाचा बिहार से निकलकर चेन्नई गए थे कोचिंग के लिए, UPSC की कोचिंग रही होगी उसके लिए, बिहार से निकलकर चेन्नई गए थे। हर गरीब तो नहीं जा सकते, हर गरीब तो ट्रेन में सफ़र तभी करते हैं मोटे तौर पर जब बाहर कहीं मजदूरी करने जाना है। क्या किया जाए इसके लिए? लोकतंत्र में बराबरी का मामला कैसे लाया जाए? या ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है? मेरे जैसा व्यक्ति मूर्खता में ऐसी कल्पना करता है कि कोई समानता या बराबरी आनी चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं थोड़ा विचलित हूँ, मैं जितने गरीब लोगों को देखता हूँ, वो मामूली कॉलेज जो हैं, मामूली कॉलेज की फीस भी नहीं जुटा पाते हैं, कोचिंग सेंटरों की फीस कैसे जुटाएंगे? और मैं देखता हूँ कोचिंग सेंटर जाने वाले अधिकतर बच्चे किसी न किसी मोपेड पर, दुपहिए पर, पेट्रोल से चलने वाले दुपहियों पर, बैटरी से चलने वाले दुपहियों पर आते जाते हैं।
साइकिल से शायद ही आते जाते हों कोचिंग सेंटरों के लोग, तो ये सब खर्च कितने लोग कर पाते हैं? गरीब देश की अधिकतर तकरीबन तमाम आबादी, शायद नीचे की 90% आबादी को अगर हम बच्चों के मुकाबले में एक मामूली तैयारी भी नहीं करवा सकते, उनको बराबरी का अवसर नहीं दे सकते, किस तरह का लोकतंत्र हो गया है ये? और सरकार के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग इन नीतियों को बनाते हैं कि कोर्स क्या हो, दाखिला इम्तिहान क्या हो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो, बड़े बड़े लोग बनाते हैं नीतियाँ। मैं अलग अलग राज्यों में भी देखता हूँ, अपने राज्य छत्तीसगढ़ में भी देखता हूँ कि अलग अलग इम्तिहानों की कोचिंग के लिए सरकार भी कुछ कोचिंग सेंटर चला रही है। कितने लोग उसमें जा पाते हैं? कम ही लोग जा पाते हैं। और इनमें जाने वाले लोगों की कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, उसमें उनके अच्छे नंबर लाना, अव्वल होना, ये मायने नहीं रखता। मुझको लगता है कि इस देश के पढ़े लिखे समझदार जानकार लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए कि हम फोकस जो है देश का वो कोचिंग से हटाकर पढ़ाई की तरफ कैसे ला सकें, कैसे आगे की ज़िंदगी को तय करने का काम कोचिंग के रास्ते ना हो, पढ़ाई के रास्ते हो, कैसे हो सकता है? आप भी सोच के देखिएगा, आप सोच के देखिएगा कि आपके आसपास के कितने फीसदी ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की कोचिंग का खर्च उठा पाते हैं। अगर आप संपन्न तबके के हैं तो ज़रूर आपको बच्चे दिखेंगे, अगर आप विपन्न तबके के हैं तो शायद ही कोई आपको दिखे। सोच के देखिएगा इस बारे में। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा है तो इसको हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा नया वीडियो पोस्ट होने पर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, दोस्तों को लिंक ज़रूर भेजिएगा। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पर एक व्यापक विचार विमर्श हो देश में। भेजिएगा इसको, देखते हैं क्या होगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, मैं कोचिंग सेंटरों में आते जाते बच्चों को देखता हूँ, लड़के लड़कियाँ सुबेरे 5 बजे से निकल पड़ते हैं, रात को 10 बजे तक आते जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग हेलमेट नहीं लगाते, अधिकतर लोग, गिने चुने कुछ लोग रहते हैं जो हेलमेट लगाते हैं। मेरा सबसे कहना है, खासकर ऐसे बच्चों को जो कोचिंग पे जाते हैं जिनके पास पेट्रोल या बैटरी वाले दुपहिया हैं, उनको हेलमेट ज़रूर लगाना चाहिए। वो एक आदर्श बन सकते हैं बाकी आबादी के लिए कि हेलमेट लगाना है, प्रचार कर सकते हैं हेलमेट का। और दूसरी बात, अब जिस दिमाग को लेकर वहाँ जा रहे हैं दाखिला इम्तिहान की तैयारी के लिए, वो दिमाग बड़ा नाजुक खोपड़ी के भीतर है। वो सड़क पे एक्सीडेंट होता है ना, सबसे पहले खोपड़ी फटती है, दिमाग जो है उसमें खून बह निकलता है, बचने की गुंजाइश कम हो जाती है। मत कीजिए ऐसा। आपके माँ बाप मेहनत करके पैसा देके आपको कोचिंग करवा रहे हैं, और लोग भी, कोई कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कोई नौकरी पे जा रहे हैं, हर किसी को अगर दुपहिया पर चल रहे हैं, चला रहे हैं या बैठे हुए हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, मेरे लिए कीमती है एक दर्शक की हैसियत से, आपके परिवार वालों के लिए कीमती है कि आप उनके सदस्य हैं, उनसे रिश्ता है आपका, आगे जाकर आप परिवार की देखभाल करेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपका सिर साबुत रहेगा। फिर मिलेंगे।